आपको बताएं कि बत्ती चौक मेट्रो स्टेशन के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग, 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। मामला क्या है जानते हैं अरसलान हैदर से। अरसलान हैदर बताइएगा, पता चल सका कि फायरिंग किसकी जानिब से की गई? बत्ती चौक मेट्रो स्टेशन में कैसी फायरिंग का वाक़ा हुआ है जिसके नामालूम अब तक जो था वो फायरिंग करते हुए जा रहा था, जिसके 3 राहगीर जो है वो शदीद जख्मी हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक कहा जा रहा है कि जो मुल्जिम था वो रिक्शा में सवार था और फायरिंग करते हुए जा रहा था, यानी शायद जिनके मुताबिक कहा जा रहा है, और इसके साथ साथ जो जो जख्मी है वो उतनी जख्म होते वो जख्मी हुए। जख्मियों में के जो नाम है उनकी शनाख्त होगी। जख्मियों में अक्सर अकबर और ताज मुझे वो शामिल है। जख्मियों को रेस्क्यू के जरिए अस्पताल मुख्तलि किया गया है और पुलिस ने कहा है कि वाकई की तहकीकत शुरू कर दी गई है। मुलजिम जो है वो मौका से फरार हो गया है। वाकई की तहकीकात शुरू कर दी गई है। अरसलान हैदर ये भी बताइएगा कि कोट लखपत जेल के बाहर लीगी कारकुनों का ट्रेन रोकने का क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, गुजरात रोज कोट लखपत जेल के बाहर जो ट्रेन रोकने का मामला था, पुलिस ने वाकई का मुकदमा 200 से ज्यादा अफराद के खिलाफ था वो दर्ज किया था। तो अब जो है वो पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अभी तक कोई मुलजिम गिरफ्तार नहीं किया गया, जबकि जो वाकया में मुलविस और सीसीटीवी फुटेज में आने वाले जो मुलजमान पुलिस ने 3 अपराध को हिरासत में लिया है। मुलजिम जो हिरासत में लिए गिरफ्तार होने वाले जो अपराध थे उनमें यूटिंग लियाकत और कारकुन सफदर पांडा और मोहम्मद नबीज शामिल है। लेकिन कारकुनान के जो वकील थे उनकी जानब से कहा जा रहा है कि पुलिस की जानब से कोई तावन नहीं किया जा रहा और एक रेड की ठीक है। बहुत शुक्रिया अरसलान हैदर, आपने अपडेट किया।